एक लड़का जिसके पिता रिक्शा चलाकर अपने परिवार का गुजारा किया करते। जब वो 11 साल का था तब वो अपने दोस्त के साथ उसके घर चला गया। तब दोस्त के पिता ने उसे घर से बाहर निकालते हुए कहा कि एक छोटे से रिक्शे वाले के बेटे होकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की। तभी उसने ठान लिया कि वो बड़ा होकर एक ऑफिसर बनेगा और अपने पिता को गर्व महसूस करवाएगा। उसने सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और ग्रेजुएशन के बाद दिल्ली जाकर IAS की तैयारी करने की सोची। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आर्थिक तंगी के कारण पिता ने अपनी पुश्तैनी जमीन 35,000 रुपए में बेचकर बेटे को पढ़ने भेजा। उसने दिल्ली जाकर दिन रात मेहनत की और कभी कभी पैसे नहीं होने के कारण उसने सिर्फ एक वक्त का भोजन किया। इन सब के बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी एंड 2006 में उसने पहली बार IAS का एग्जाम दिया और अपने पहले ही प्रयास में वो 48वें रैंक के साथ IAS ऑफिसर बना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ IAS गोविंद जायसवाल की, जिन्होंने तमाम मुश्किलों का सामना किया और अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा किया।